बता दी। किधर मिलेगा खाने पीने को? ना 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 चलेगा। मैं पीने की बात कर रहा हूँ, कुछ खाना पीने की या देसी दारू की बात कर रहा है? छूटा नहीं क्या? 5:51 AM जयपुर दिल्ली हाईवे। हमने रात में 4 बजे प्लान किया जयपुर में कि हम काफी रात बीत चुकी है तो अभी सेफ है, तो हम अभी दिल्ली के लिए निकले। तो दिल्ली का रास्ता बहुत ही अच्छा था, बीच में एक दो पैचेस पर ऐसा लग रहा था कि स्ट्रीट लाइट जो रेडियम लाइट्स नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी थी। एवरेज कार की स्पीड हमने चलाई है 80-90 km/h और अभी हम जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक प्यारा सा रेस्टोरेंट मिल गया हमें, जहाँ पे हम चाय पी रहे हैं। वो फैमिली पूरी बैठ के चाय पी सकती है। तो कभी भी अगर आप ड्राइव करें और हल्का सा फील हो कि नहीं अब चलने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, तो स्टे ज़रूर कर लें एक बार। फुल नाइट ड्राइव करना थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है। कि रात में अगर ओवरनाइट जर्नी कर रहे हो तो ये जो पहले से ही ये जो होटल है ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है पार्किंग का, तो सीनियर से बात करने के बाद यहाँ पे स्टे किया जा सकता है 1.5-2 घंटे सोने के लिए कार में अपनी। लेकिन हाँ, परमिशन मस्ट है उसके लिए। हजार 402 किलोमीटर का सफर करने के बाद थकावट नहीं हुई। जितनी थकावट हो गई है 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जो मेरा दिल्ली से मेरठ की है। मोदी नगर का जाम बहुत ही ज्यादा पेनफुल। अरे ये मेरा था, आपकी दाद। हेलो,
गाड़ी रोको तो अब कम से कम अब आ गए खिड़की से बाहर आ गए वीडियो कितनी सुंदर लग रही है। कुछ